पूर्वोत्तर रेलवे सतर्कता संगठन जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत रेलवे के अधिकारी क्लब में भ्रष्टाचार मुक्त भारत और विकसित भारत सतर्कता सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में उप मुख्य सतर्कता अधिकारी यातायात जयप्रकाश सिंह ने बताया कि हर वर्ष भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो सतर्कता के आइकॉन माने जाते हैं, इनका 31 अक्टूबर जन्मदिन होता है, उसको कवर करते हुए जो सप्ताह होता है उसी दिन जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह में भ्रष्टाचार के विरुद्ध सबको जागरूक किया जाता है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भ्रष्टाचार से मुक्त करना होगा। यह कार्यक्रम लोगों को जागरूक करने के लिए अन्य जिलों में भी किया जा रहा है। इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप मुख्य सतर्कता अधिकारी यातायात जयप्रकाश सिंह ने कहा, इसके लिए हमें बदलना पड़ेगा। ये कहा जाता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम कुछ डिफरेंट हों, तो हमें कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं, अगर हम वही करेंगे तो हम डिफरेंट नहीं हो सकते। हमारा जो भविष्य है, इफ यू वांट डिफरेंट रिजल्ट, देन यू हैव टू एक्ट डिफरेंटली। तो और ये जैसे जैसे समय बदलता है, समय के साथ में हमें चेंज इज ओनली कॉन्स्टेंट, तो हमें चेंज होते ही रहना पड़ेगा। अगर हम चेंज नहीं होंगे तो हम पिछड़ जाएंगे, चाहे ये व्यक्तिगत तौर पे हो, एक समाज के तौर पर हो, एक देश के तौर पर हो, चाहे पूरे विश्व के तौर पर हो। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें चेंज होना है, हमें परिवर्तित होना है। मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी मैं IIM बेंगलोर में गया हुआ था, जिसमें रेलवे के सीनियर लीडर्स को बुलाया गया था, सीनियर ऑफिसर्स को, तो उसमें 40 लोग थे। तो उस वक्त भी ये, और उसमें से 86 बैच के 3 लोग थे, 85 के 1 थे और 84 के 1 थे। तो जो उसमें सीनियर लोग जो थे, एरिया में एक इतना अच्छा टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, और सर के जो कई जगह प्राइवेट सेक्टर से लेकर के और गवर्नमेंट सेक्टर में हर जगह उनकी उपस्थिति है और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। अभी भी जो हम लोग जो यहाँ का जो एथिक्स के बारे में या सदाचार के बारे में भी बताया जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग को लगता है कि ये कमी है। हम लोग जो अपने जो कॉलेजेस होते हैं उसमें मूलतः सदाचरण के बारे में बताया जाए या इसके बारे में जागरूक किया जाए, तो ये एक बेहतर उपाय हो सकता है। तो इस प्रकार की उस समय ये हुआ करती थी, गांधी जी भी कहते थे, मनी कम्स एंड गोस, मॉरलिटी स्टेज एंड ग्रोस। उन्होंने और भी कहा है, ये CVC की गाइडलाइन पर प्रतिवर्ष सतर्कता भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है प्रतिवर्ष, और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि सतर्कता के आइकन माने जाते हैं, उनका जन्म दिवस 31 अक्टूबर रहता है, उसको कवर करता हुआ जो सप्ताह होता है उसी को मनाया जाता है। इस वर्ष 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक यह सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसमें सतर्कता जागरूकता सप्ताह में भ्रष्टाचार के विरुद्ध सबको जागरूक किया जाता है, और इस बार का विषय वस्तु जो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत है। तो इसका उद्देश्य ये है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भ्रष्टाचार से मुक्त करना होगा। मैं जयप्रकाश सिंह, उप मुख्य सतर्कता अधिकारी यातायात, और इस दौरान हम लोग विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी हमने कल मुख्य क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान गाजीपुर में किया था, विभिन्न विद्यालयों में कर रहे हैं, कॉलेजेस में कर रहे हैं, और वहां जाकर के जागरूकता बढ़ाने के लिए हम बहुत सारे क्विज, वाक प्रतियोगिता और वाकाथन, मैराथन, तमाम प्रतियोगिताएँ आयोजित कर रहे हैं, जिससे आचार के विरुद्ध जागरूकता बढ़े।